तो भाई ये जो खड़ी है निंजा ZX10R, ये पता किसकी है? ये है HK ऑन व्हील्स की। इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है क्योंकि TVS के पास सिर्फ यही एक गाड़ी है जो काफी फेमस है, और कोई देखा जाए तो इतना नहीं है 310 सीसी के सेगमेंट में। हमारे सामने BMW की GS 850, फुली एडवेंचर बाइक देख रहे हो। भाई पूरी कानों को चीरती हो जा रही है भाई। वैसे और भी बाइक खड़ियां दे सकते हो, जैसे हीरो की X+200 और ये KTM ड्यूक 319, देन रॉयल इनफील्ड की इंटरस्पेक्टर, और भी बाइक दे सकते हो काफ़ी। मतलब ऐसी बात नहीं, बाइक की काफ़ी बड़ी है। लुक एट दिस बाइक, और यहाँ पे देखो पूरा ग्रुप खड़ा है, पूरा सुपर बाइक का ग्रुप। एक KTM की दो बाइक सी हो गई, देन रॉयल इनफील्ड, ये BMW S1000RR। देख रहे हो फैट टायर इसका। स्टॉक एग्जॉस्ट है इसमें, इसमें ज़्यादा साउंड नहीं है, स्टॉक एग्जॉस्ट है। ये खड़ी है, ये फाइनली 600 आई। जो बार बार रीली मारता ना बंदा, वो यही था। देखो ये रही हो बाइक ZX10R, इसमें जो एग्जॉस्ट लगा है वो है SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, दिखा सकता हूँ। जो भाई इस पर रीली मार रहा था ना, क्या ही खतरनाक रीली मार रहा था इस वाली बाइक पे, तो यही है वो बाइक, देख सकते हो। यानी खतरनाक बाइक वो देखो, SC प्रोजेक्ट, मतलब अच्छी खासी रीली मार रहा था। पीछे का भाई ने मेरे को लग रहा है टायर चेंज करा रखा है, क्योंकि फैट टायर है। ZX10R का इतना टायर, इतना मोटा टायर होता नहीं है, इन्होंने सारे फैट टायर लगवा रखा है अलग से। बाकी देख सकते हो यार बाइक। और ये खड़ी मैं सुनी KTM की ड्यूक 390, देन यामा की V3। KTM में तो यार सबसे जो फेमस होती है ना, वो ड्यूक ही होती है। आप RC इतनी फेमस नहीं होती है जितनी ड्यूक होती है। ये भी देखियो, ये ड्यूक 200, ये भी ड्यूक 200, ये RC 200, एंड देन सुजुकी हायाबूसा एक ये खड़ी है, एक सामने खड़ी है सुजुकी हायाबूसा, देन कावासाकी ZX10R, बेनेली 600i, एंड KTM RC 200, देन हार्ले डेविडसन, होंडा हॉर्नेट, अरे मेरी वो खड़ी है TVS की रेडर 125 cc। लुक एट दिस, भाई हमारे सामने खड़ी है कावासाकी 2 XZ 900 विद एक्रामोबी एक्सॉस्ट, देन हार्ले डेविडसन, उसके पीछे वो खड़ी हार्ले डेविडसन। लुक एट दिस बाइक मैन, बाइक इस
उसका कुछ स्टॉक में भी ऐसे रखी रखी से बाइक देख रहे हो, यामा की काफ़ी बाइक भी हो गई ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो यामा कंपनी की बाइक ना ज़्यादा ही होती है यहाँ पे। सुपर बाइक की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल बाइकों की बात कर रहा हूँ। एक ही खड़ी हमारे पास पल्सर NS125, देन अपाची RR 310। अपाची आर आर का ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है क्योंकि जो TVS शोरूम वाले हैं ना, मतलब एक TVS शोरूम में TVS कंपनी वाले ने जो भी हम एक अच्छा मॉडल निकाला है वो ये अपाची RR 310। इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है क्योंकि TVS के पास सिर्फ यही एक गाड़ी है जो काफ़ी फेमस है, और कोई देखा जाए तो इतना नहीं है 310cc के सेगमेंट में। मतलब आगे का फेस देख लो कितना मॉन्स्टर लुक है। एंड देन उन्होंने साइड में विंग्स वाले वो लगा रखे हैं, बेसिक विंग्स। मतलब बाइक अच्छी लगती है, पूरी भरी भरी बाइक है। हिमालय की बाइक्स हो गई, देन हार्ले डेविडसन हो गई, और ये पूरा कैफे है बनना। ये देखो क्रूजर प्लैनेट सेल परचेज प्री ओनिड सुपर बाइक्स। एक देखो कार भी देखो, और जो खड़ी है निंजा ZX10R, ये पता किसकी है? ये है HK ओन व्हील्स, जानते ना इनका जो लंबी वीली मारते हैं ये उनकी बाइक है HK ओन व्हील्स। आप इनका चैनल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं इनकी वीली ना, इनकी मतलब जो इनका चैनल जो इस तरह से पॉपुलर है वो इनकी वीली के लिए पॉपुलर है कि इनकी वीली जो होती है ना काफ़ी लंबी होती है। देखिए अब मैंने इधर फोटो खिंचवाई है और ब्लॉग भी थोड़ा बहुत बनाया है, अब आपको ब्लॉग में फोटो में दिख जाएगा। ये उनकी बाइक ZX10R ओन व्हील्स। यहाँ खड़ी आपके पास सामने दो सुजुकी हायाबुसा, साउंड तो सुनी होगी, ये Z900 का साउंड था। बाकी देखिए सुजुकी हायाबुसा ये खड़ी है, इधर वो खड़ी कोने में, लुक एट दिस द ब्लैक माफिया सुजुकी हायाबुसा। और पीछे खड़ी है V4 ब्लैक मैक, देखो कावासाकी की। टिबल वीली तो मार दो भाई, वैसे ये देख ये Z900 देखी इतनी प्यारी लग रही है, मतलब अच्छा पूरा ग्राफिक करवा रखा है ना इसको, एकदम मस्त एकदम ग्राफिक में।